आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो आपका रिजल्ट आया है जेई मेंस का, वो बहुत ही जोरदार आया है। ठीक है, सार्थक त्रिपाठी हैं लक्ष्य बैच के पिछले साल के, जिनके 99.98% आए हैं, और अगर सारी चीज़ें सही रहती है तो उनकी डबल डिजिट रैंक आने वाली है, वरना ट्रिपल डिजिट रैंक तो फिक्स है ही है। तो मेरे ख्याल से ये आप सभी लोगों के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि भैया देखो, अगर जुनून हो, डेडिकेशन हो और सही सपोर्ट मिले तो कहीं से भी सिलेक्शन हो सकता है। समझ में आया ना? और अपना नारा तो आप जानते ही हो, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग क्या करें भैया, स्टिक टू द बेसिक्स। बाकी जो है वो लड़का कल आएगा शायद मिलने, ठीक है, हाँ उसका कुछ इंटरव्यू वगैरह वो सब आपसे शेयर किया जाएगा। बाकी जब मैंने उससे जितनी भी बात हुई अब तक, फोन पे बोल दीजिए या मैसेज में बोल दीजिए, तो मैंने पूछा कि यार सीजी बता, तूने क्या किया, चैलेंजेस बता। चैलेंजेस मतलब कि सर बीच में फादर का एक्सीडेंट भी हो गया था, ठीक है, सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ होने लगी थी, ठीक है, और मैंने बोला कि क्या चीज़ तूने फॉलो की वो बता। अब एक बार कई कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ये बात मैं आपको भी बोल चुका हूँ, जब अपना पहला सेशन था लक्ष्य का, पहला लेक्चर, तो मैंने आपको एक छोटा सा डायलॉग बोला था, बहुत सारे लोगों ने वो सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने वो सुनकर नजरअंदाज कर दिया होगा, डेली पाओ डेली निपटाओ, है ना, ऐसा शायद कुछ बोला था, आया ना, डेली पाओ डेली निपटाओ, है ना। अब वो बात सभी के लिए बोली जाती है, जब भी हम पढ़ाने जाते हैं, कोई भी नए बच्चे आते हैं ओरिएंटेशन के रूप में, कि बेटा आप कोशिश करिएगा कि आपका लैग ना हो, आपका बैकलॉग ना हो, जो आपको डेली होमवर्क मिले उसको डेली निपटाने की कोशिश करो। अब ये जो लड़का है इसने इस बात को बड़ा सीरियसली ले लिया, बोले कि सर बस अब ठीक है, अब हम समझ गए। ये जो मेल, अब वो पता नहीं चलता ना कौन सा बच्चा कौन सी चीज को सीरियस लेकर उसी पे ही काम करना स्टार्ट करते, समझ में। तो जहां तक मेरी बात हुई है उसने यही बोला, सर स्टिक टू द बेसिक्स, जो आप लोग बोलते गए वो मैं फॉलो करता गया, तीनों सब्जेक्ट में जितने भी टीचर्स ने उनको पढ़ाया है सबकी बातें मैं मानता गया, और धीरे धीरे मेरे को अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखने लगा, धीरे धीरे, ओवरनाइट इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है। समझ में आएगी नहीं समझ में? केमिस्ट्री में मेरे नंबर 100 में से 38 मार्क्स आए थे, और मेरे पेरेंट्स को भी बुलाकर यही बोला गया था कि भैया इसको कहाँ कोटा वोटा भेज रखा है, ये तो फेल होने वाला है।